हेलो गाइस, बड़ा सा एक्सप्लोर में यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही फनी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक 100 वाट का एम्पलीफायर है। बहुत सी वीडियो में मैंने इसको दिखाया था आपको, और अभी मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने इसकी जो ये आउटपुट टर्मिनल, स्पीकर का जो टर्मिनल है, यहाँ पर हमने 100 वाट का बल्ब लगा कर दिखाया था, और ये बल्ब भी बहुत ही अच्छे से जल रहा था फ्रेंड्स। तो मैंने मेरे मन में एक और ख्याल आया कि यहाँ पर अगर हम जो हमारा बाइक का जो हॉर्न है, ये देख सकते हैं, ये एक हॉर्न है हीरो कंपनी का, यहाँ पर अगर हम हॉर्न लगाए तो क्या इस हॉर्न में हमारा जो गाना है वो यहाँ पर बजेगा? ठीक है, देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये वीडियो, इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम इस हॉर्न को यहाँ पर, इसकी जो स्पीकर है इसकी जगह पर लगा देंगे तो ये कैसा साउंड करेगा। तो अभी हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और थोड़ा सा भी यूनिक लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो रेड वाला वायर है ये हमारा स्पीकर वाला वायर है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। हमारा जो एम्पलीफायर है वो 100 वाट का है और यहाँ पर हम स्पीकर लगाते हैं इन वायर पर। अभी इन वायर पर मैं क्या करूँगा, इस हॉर्न को कनेक्ट करके दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हॉर्न है वो बहुत ही अच्छा हॉर्न है, ये ख़राब नहीं हुआ, ये अच्छा ही था, मैंने बाइक से निकाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट करूँगा और इसके बाद देखूँगा कि यहाँ पर बेस ज़्यादा देने से जो हमारा हॉर्न है वो साउंड करेगा या ट्रेबल ज़्यादा देने से साउंड करेगा। ऐसे यूनिक यूनिक एक्सपेरिमेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, कनेक्शन अभी हो चुका है, अभी सिर्फ गाना बजाने की देरी है। तो चलिए अभी कुछ गाना प्ले करके आपको दिखा दूँगा। तो गाइस, अभी हमारा सारा सेटअप हो चुका है, यहाँ पर मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा और यहाँ पर मैं एक गाना आपको प्ले करके दिखा दूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके साउंड इंक्रीज करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर किया कि हमारा जो बेस है इसको ऐसे कट कर दिया, इस बेस में थोड़ा सा भी नहीं दिया, और यहाँ पर मेरा जो ट्रेबल है इसको फुल कर दिया। अभी देखूँगा कि जो हमारा हॉर्न है मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ये कैसा साउंड करता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर फुलम को इंक्रीज करूँगा। तो गाइस, कुछ कुछ हमारा जो हॉर्न है वो साउंड कर रहा है, आप सुन पा रहे होंगे, हमारा जो हॉर्न है यहाँ पर कुछ साउंड आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो गाना है वो गाना थोड़ा थोड़ा बज रहा है। अभी मैंने क्या किया, जो हमारा ट्रेबल है इसको फुल कर दिया था बेस कट करके। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेस इंक्रीज करके जाऊँगा, या अभी थोड़ा जो हमारा हॉर्न है वो ज़्यादा आवाज करने लगा। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो हॉर्न है यहाँ पर गाना बहुत ही अच्छे से बज रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस को फुल करेंगे। गाइस देख सकते हैं, कुछ स्टेप से हमारा जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। अभी और साउंड देने की कोशिश करूँगा और बेस इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने जो बेस है उसको लगभग फुल कर दिया। अभी आप हॉर्न को देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गाना बज रहा है। ओ, यहाँ पर तो बेस, तो गाइस हमारा जो हॉर्न है वो बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा। मैंने यहाँ पर बेस को कम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था। अभी देखिए, जैसे ही मैं बेस बढ़ाऊँगा तो इसका जो हॉर्न है वो वाइब्रेट करने लगा। अभी वो देख सकते हैं, हॉर्न से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा, गाना भी यहाँ पर बज रहा है। ये जो हमारा पूरा टेबल है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। अभी मैं एक और गाना बजाकर आपको दिखा दूँगा, गाना ख़त्म हो गया था यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर एक और गाना बजाकर आपको दिखा दूँगा। देख लीजिए, हमारा जो टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, इसको टच भी हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। गाना भी थोड़ा थोड़ा बज रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पर बेस आता है तो हमारा जो हॉर्न है वो बहुत ही तेज बजता है। देखिए क्या कुछ तरीके से हमारा जो हॉर्न है यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था और ये थोड़ा सा गर्म भी हो गया है, तो अभी मैं इसको और नहीं चलाऊंगा, ये ख़राब हो सकता है। तो गाइस, आप देख चुके होंगे तो क्या रिएक्शन होता है जब हम हॉर्न को एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक जो लाइक एक जरूर कर देना। तो चलिए
अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय।